गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंद मॉडल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश रीडर में लेसन फर्स्ट रीड करेंगे, तेनाली मीट्स बाबर। रीडल टाइम। हु एम आई, मैं कौन हूँ? पहली पूछी अभी। आई हैव बैंक बट आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास बैंक है परंतु कोई पैसा नहीं है। इसका आंसर है रिवर। इसका आंसर क्या है? रिवर है। रिवर में बैंक होते हैं भाई। बैंक किसको बोलते हैं? बैंक के किनारे को बोलते हैं। परंतु बैंक में पैसा होता है, परंतु इन नदी के जो बैंक होते हैं उनमें पैसा नहीं होता है। सेकंड है आई हैव टीथ बट आई कैन नॉट ईट, मेरे दांत हैं परंतु मैं खा नहीं सकता। दांत होते हैं और खा भी नहीं सकता, क्या होता भी? कॉम्ब होता है, कंघा। कंघे में दांत होते हैं, ठीक है, जिनसे हम बाल बनाते हैं, परंतु वो उससे खा नहीं सकता। अब लेसन स्टार्ट करते हैं। तेनाली राम वाज ए फेमस जेस्टर एंड पोइट इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेवराय। तेनाली रामा कृष्णदेवराय के दरबार में, कोर्ट में, दरबार में जेस्ट एक प्रसिद्ध विदूषक और कवि था। द किंग ऑफ विजयनगर, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में प्रसिद्ध विदूषक और कवि थे। द टेल्स रिलेटेड टू तेनाली रामाज विट एंड विजडम हैज रीच्ड फार एंड वाइड, यह कहानी तेनाली रामा की हाजिर जवाबी, उसकी बुद्धिमता से संबंधित है जो दूर दूर तक फैली हुई थी। सून दे रीच्ड द मुगल कोर्ट इन दिल्ली वेयर बाबर रूल्ड। उन तेनाली राम की प्रसिद्धि मुगल दरबार में, दिल्ली के मुगल दरबार में पहुंची, जहां पर बाबर शासन करता था। व्हेन बाबर हर्ड अबाउट तेनाली रामा, जब बाबर ने तेनाली राम के बारे में सुना, ही विश्ड टू मीट हिम, उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। दस द बाबर्स मैसेंजर रीच्ड विजयनगर, इसलिए बाबर का दूत, मैसेंजर मीन दूत, संदेश वाहक, बाबर का संदेश वाहक विजयनगर पहुंचा। लेट्स रीड, आओ पढ़ें, अबाउट तेनाली रामाज एडवेंचर एट एम्परर बाबर्स कोर्ट। तेनाली राम के बादशाह बाबर के दरबार में कारनामे की कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार तेनालीराम ने बाबर को प्रभावित किया। आवर एम्परर वॉन्ट्स टू मीट तेनालीरामा, हमारे बादशाह तेनालीराम से मिलना चाहते हैं। योर हाइनेस, महाराज, हमारे बादशाह तेनाली राम से मिलना चाहते हैं। प्लीज सेंड हिम विद मी टू दिल्ली, कृपया करके उन्हें मेरे साथ दिल्ली भेज दें। डोंट वरी, कृष्णदेवराय कहता है डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, तेनाली रामा विल गो विद यू, तेनाली राम आपके साथ जाएगा। तेनाली, आई ऑर्डर यू टू गो विद दिस मैसेंजर टू द मुगल कोर्ट। तेनाली, मैं
तुम्हें इस दूत के साथ मुगल दरबार में जाने की आज्ञा देता हूँ एंड प्रूव योर मेटल, और अपनी योग्यता और बुद्धिमता साबित करो। रिमेंबर द ओनर ऑफ आवर किंगडम इज इन योर हैंड। याद रखना, हमारे राज्य का सम्मान अब तुम्हारे हाथों में है। इफ यू इम्प्रेस द एम्परर, अगर तुमने बादशाह को खुश कर दिया, इम्प्रेस मीन खुश कर दिया, यू गेट ए रिवार्ड फ्रॉम हिम, तुम्हें उनसे सम्मान प्राप्त होगा। आई प्रोमिस टू गिफ्ट यू 10,000 गोल्ड कॉइन्स, और मैं तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के उपहार में देने का वायदा करता हूँ। तेनालीराम सेड टू कृष्ण देवराय, तेनालीराम कृष्ण देवराय से कहता है, आई शैल नॉट लेट यू डाउन, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। योर हाइनेस, महाराज मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। व्हेन बाबर हर्ड तेनालीज अराइवल, जब बाबर ने तेनालीराम के आने की बारे में सुना, ही समंड हिज कोर्टियर, उसने अपने दरबारियों को बुलाया। यू ऑल नो ही इज वेरी विटी मैन, तुम सभी जानते हो कि वह बहुत ही हाजिर जवाब व्यक्ति है। हाउ एवर, फिर भी, इफ आई फाइंड एनी वन लाफिंग एट हिज जोक्स, दैट पर्सन विल बी पनिश्ड, अगर कोई व्यक्ति उसके चुटकुलों पर, उसकी बातों पर हंसता हुआ पाया गया तो उसे दंड दिया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। एट द रॉयल कोर्ट तेनाली ट्राइड मैनी एंटिक्स, शाही दरबार में तेनाली ने बहुत मजाकिया हरकतें की, बट नो वन स्माइल्ड, परंतु कोई भी नहीं हंसा। 15 डेज पास्ड बाय, 15 दिन गुजर गए, बट ऑल हिज एफर्ट्स टू मेक पीपल लाफ फेल्ड, परंतु उसका हर प्रयत्न जो लोगों को हंसाने के लिए था, सब व्यर्थ हो गया। तेनालीराम अंडरस्टूड दैट मुगल कोर्टियर्स वर डेलिबरेटली कीपिंग सोम्बियर फेस, तेनालीराम समझ गया कि मुगल दरबार के मंत्री जानबूझकर उसकी बातों पर हंस नहीं रहे हैं और उदास हैं। तेनालीराम न्यू दैट डिफीट वुड मीन्स लूजिंग प्रेस्टीज एंड ऑनर फॉर विजयनगर, तेनाली जानता था कि हारने का मतलब विजयनगर के सम्मान और शान को खोना है, उसकी शानो शौकत को खोना है, एज वेल एज हिज ओन पोजिशन देर, और उसके साथ ही विजयनगर में उसकी जो स्थिति है, उसकी जो पोजिशन है, वो भी उसकी खराब हो जाएगी। सो ही थेट ए फ्रेश प्लान, इसलिए उसने एक नई योजना सोची। वन डे तेनाली डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ ओल्ड लेबरर, एक दिन तेनाली ने एक बूढ़े मजदूर का वेश बनाया। ही बिगेन टू डिगिंग एट ए प्लेस, उसने एक स्थान पर गड्ढा खोदना शुरू किया। ही न्यू बाबर विजिटेड एवरी डे, वह जानता था कि बाबर यहाँ पर हर रोज घूमने के लिए आता है। बाबर वॉज सरप्राइज्ड टू सी एन ओल्ड मैन विद वाइट बियर्ड प्लांटिंग ए मैंगो सैपलिंग, बाबर एक बूढ़े व्यक्ति को जो जिसकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी,
एक आम का पौधा लगाते हुए आश्चर्य हुआ। जब बाबर ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति आम का पेड़ लगा रहा है, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? Your Highness, महाराज, I am planting a mango sapling. महाराज, मैं एक आम का पौधा लगा रहा हूँ। But you appear quite old. परंतु तुम बहुत बूढ़े हो गए हो। Even if this sapling takes root, grows and bear fruits, जब तक इस यह पौधा बढ़ेगा, इस पर फल फूल आएंगे, What will you gain? तुम्हें क्या प्राप्त होगा? Surely you won't be alive. निश्चय ही तुम तब तक जीवित नहीं रहोगे। I am not planting it for my own sake. मैं अपने लिए इसे नहीं लगा रहा हूँ, Your Highness, महाराज, but for the others, दूसरों के लिए लगा रहा हूँ। I enjoyed the fruits of the trees planted by my father. मैंने मेरे पिता के लगाए हुए पेड़ों के फलों को खाने का आनंद लिया है। Now this tree will bear fruits for those who will live after me. और इस पौधे के फल उन लोगों के लिए हैं जो मेरे बाद जीवित रहेंगे। That will be my reward. यही मेरा पुरस्कार होगा। वह बूढ़ा व्यक्ति महाराज से कहता है कि महाराज, मैंने मेरे पिता के द्वारा लगाए हुए पेड़ फलदार पेड़ों के फलों खाने का आनंद ले लिया है। अब मैं यह पेड़ उन लोगों के लिए लगा रहा हूँ जो मेरे बाद जीवित रहेंगे, मेरे मरने के बाद जीवित रहेंगे, और यही मेरा पुरस्कार होगा। आज लेसन हम यहीं तक रीड करेंगे। इस लेसन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और वीडियो को ध्यान से सुनकर और देखकर इस लेसन को समझना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।